हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील कश्यप और आप देख रहे हैं बुक्स टू रीड यूट्यूब चैनल। देखिए, निक्स द ट्रिक्स की ये सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग फर्दर और फर्दर को समझेंगे। इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको एसएससी के परीक्षा में जरूर मिलेगी और मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इस कंटेंट को समझ लीजिएगा तो आपको दोबारा एडजेक्टिव के इस पॉइंट को समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में सारी की सारी बातों को अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किसी वाक्य में करना है। तो सबसे पहले फादर और फर्दर, ये दोनों शब्द को समझने के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक फार यूज़ किया हुआ है, आप इस वर्ड से समझिएगा। फार का मतलब क्या होता है? दूर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये फर्दर है, तो फर्दर आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पे एफ यू आर जो है ये किसी चीज़ को एडिशन, मतलब किसी चीज़ में जोड़ रहा हो। आप इस चीज़ को, मतलब ये ट्रिक है, ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। फार का मतलब जोड़ नहीं होता है और फार का मतलब तो दूर होता है, लेकिन फर्दर का मतलब आप याद रखना कि कोई चीज़ उसमें एडिशन की जा रही है, जोड़ी जा रही है। देखिए आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस के लिए। मतलब हम लोग याद यूज़ करेंगे किसका, फादर एंड फर्दर का, किस रूप में। सबसे पहले डिस्टेंस के रूप में, उसके बाद एडिशन के रूप में। तो डिस्टेंस के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, देखिएगा। वी यूज़ बोथ फादर एंड फर्दर टू टॉक अबाउट डिस्टेंस। देखिए, फादर और फर्दर दोनों का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो दूरी को दर्शाने के लिए करते हैं। दे मीन द सेम इन द सेंटेंस। और जब भी वाक्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फादर और फर्दर का, तो ये करीब करीब बराबर होता है। लेकिन उसका अर्थ बराबर होने के बावजूद भी उसकी जो मतलब फीलिंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उस चीज़ को हम लोग इस सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। दिल्ली इज़ फादर या फर्दर अवे देन मुंबई। देखो, इस सेंटेंस में कुछ भी मतलब ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ बात क्या है, आप इस चीज़ को समझना कि देखो, एक बाय द वे, अब जैसे कि अब ये एक पोजिशन है, ये एक पोजिशन है, ये भी एक पोजिशन है, और ये एक तीसरा पोजिशन है। ये पोजिशन नंबर वन, ये पोजिशन नंबर टू, और ये पोजिशन नंबर थ्री। अब इस सेंटेंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, दिल्ली इज़ फार्दर अवे देन मुंबई। तो अब ये वाला सेंटेंस हम लोग ये देखिए, ये हमारी हो गई दिल्ली। अब इसको समझिएगा कैसे है, दिल्ली, और ये हो गई हमारी एम यू एम बी ए आई, ये मुंबई हो गई और ये पटना हो गई। अब इसको हम लोग ढंग से समझते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में इस जगह पे रहने वाला व्यक्ति, यहाँ जो रहने वाला व्यक्ति है, ये इस चीज़ को कह रहा है। और वो क्या कह रहा है, देखिएगा, दिल्ली इज़ फार्दर, दिल्ली इज़ क्या है वो, तो फार्दर अवे देन मुंबई। मतलब यहाँ के हिसाब से देखो, फार किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए मतलब दूरी के लिए कर रहे हैं। तो दिल्ली इज़ फार्दर अवे देन मुंबई, तो दिल्ली देखा जाए, पटना से दिल्ली की दूरी देखा जाए, तो ये डिस्टेंस अगर बाई द वे इमेजिन कीजिए 5000 किलोमीटर है, तो यहाँ से इस जगह के हिसाब से, तो यहाँ से मतलब कहाँ से, पटना से लेकर के मुंबई की जो दूरी होगी वो करीब करीब आधा होगी। ये कितनी हो जाएगी, 250 km हो जाएगी, KMS होगी। तो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर बाय द वाक्य में फार्दर यूज़ किया जाएगा, फार्दर, तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा कि ये दूर तो है, लेकिन कंपैरेटिव के सेंस में। ये किस रूप में है, ये कंपैरेटिव के सेंस में, किसके कंपैरिजन में आ रहा है, तो दिल्ली से मुंबई के बीच जो कंपैरिजन है उसके रूप में आ रही है। और ये किस चीज़ को बता रहा है, तो ये हमारी दूरी को बता रहा है। उसके बाद यहाँ आती है फर्दर, दिल्ली इज़ फर्दर अवे देन मुंबई, मतलब क्या, दूर तो है लेकिन आगे है। अब यहाँ से हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं इस वाले वे से, तो ये बंदा अगर कोई कहता है, ये बंदा, कि दिल्ली इज़ फर्दर अवे देन मुंबई, तो दिल्ली मुंबई से ज़्यादा दूर है, आगे है, मतलब एडिशन है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबसे पहले ये इतना, और फिर ऐड करके, मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक जाने के लिए अपने डिस्टेंस में थोड़ा सा और किलोमीटर्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के दिल्ली पर सब पहुँच सकते हैं। तो फार्दर और फर्दर ये हमारा किसका केस में कहेगा, ये आगे के सेंस में आएगा। ये किसके सेंस में आएगा, तो दूरी के सेंस में आएगा। तो शायद यहाँ पर जो मैं आपको इलस्ट्रेशन दिया हूँ, इसके माध्यम से आप समझ गए कि डिस्टेंस के रूप में किस प्रकार से फादर और फर्दर का इस्तेमाल करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षा में। देखिए, कम्पिटिटिव के लिए यहाँ पर जो नोट्स मैंने क्रिएट किया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान दें कि फार के कम्पेरेटिव के रूप में, कम्पेरेटिव के रूप में फादर का प्रयोग दूरी का बोध कराने करते हैं। मतलब फार ऑब्जेक्ट किस प्रकार का था, पॉजिटिव डिग्री है, इसके कॉम्पेरेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा,
फर्दर होगा। तो उसका हम लोग इस्तेमाल किस रूप में करेंगे, तो दूरी मतलब डिस्टेंस को बताने के लिए करेंगे। अब इस वाले सेंटेंस से भी हम लोग थोड़े एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ क्या कहता है, पटना इज़ फार्दर फ्रॉम मुंबई दैन दिल्ली। अब दैन दिल्ली, अब ये हमारा मुजफ्फरपुर हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, ये पॉइंट वन हमारा है, सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा ये थोड़ा सा, ये दिल्ली हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा पटना। आप इस चीज़ को ढंग से समझिएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, पटना इज़ फार्दर फ्रॉम मुजफ्फरपुर, पटना दूर है मुजफ्फरपुर से, पटना दूर है मुजफ्फरपुर से दिल्ली के वनिस्पत में। मतलब यहाँ से देखिएगा, ओके अब थोड़ा डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो गई है, समझिएगा इसको, मैं छोटा डिस्टेंस कर देता हूँ। अब ये हो गई कितनी, ये हो गई 200 किलोमीटर, और ये हो गई अब समझने के लिए ये 500 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, पटना इज़ फार्दर, मतलब यहाँ पे रहने वाला यह व्यक्ति कहता है कि पटना ज़्यादा दूर है किसके वनस्पत में, दिल्ली के वनस्पत में। दिल्ली जाने में आपको कम दूरी लगेगी, ये 200 किलोमीटर से लेंगे, लेकिन पटना ज़्यादा दूर है। यहाँ भी किस सेंस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंपेरेटिव के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे भी हो गया था क्योंकि मैं गलत बोल दिया था। यहाँ पे जो रहने वाला लड़का है ये क्या कहता है, पटना कम दूर है, नहीं पटना ज़्यादा दूर है दिल्ली के वनस्पत में, क्योंकि दिल्ली हमारा 200 किलोमीटर है और पटना हमारा 100 किलोमीटर है। देखो मैं फिर से आपको ये चीज़ बता देता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। हम लोग पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री। देखो ये हमारा हो गया दिल्ली, ये हो गया हमारा, क्या लिख रहा हूँ भाई, दिल्ली, ये हो गया हमारा मुजफ्फरपुर, और ये हो गया हमारा पटना। तो इस सेंटेंस, पटना इज़ फार्दर फ्रॉम मुजफ्फरपुर, मतलब मुजफ्फरपुर से दूर है लेकिन दिल्ली से कम। यहाँ पे कंडीशन किस चीज़ की है कि पटना तो दूर है मुजफ्फरपुर से लेकिन दिल्ली से कम, मतलब दिल्ली क्या है हमारा, कम दूर है, और पटना हमारा क्या है, ज़्यादा दूर है। देखो आपको करीब करीब समझ में ये आ गया होगा। दूसरे वाले एग्जांपल से भी देखते हैं, नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम अर्थ, मतलब पृथ्वी से ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फार होने का अर्थ क्या हो गया, कि यहाँ पर फार किस चीज़ को बता रहा है, तो दूरी को बता रहा है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एडिशनल, मतलब कि कुछ जोड़ने के तौर पर जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा के रूप में, वो कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ से हम लोग समझेंगे इसको। देखिए फर्दर, लेकिन क्या फर्दर नहीं, आप यहाँ वर्ड ध्यान से देखना, यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्दर, फर्दर का नहीं, कैन बी कैन मीन एडिशनल, उसका जो हिंदी शाब्दिक अर्थ हो सकता है वो अतिरिक्त के रूप में हो सकता है, अधिक के रूप में भी हो सकता है, मतलब हम लोग दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोर एडवांस्ड, मतलब कि ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उन्नत के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कभी कभार आप लोग देखे हैं ना कि आप लोग कभी कुछ नया खरीदते हैं तो आपको मतलब कभी कभार इसमें लिखा रहता है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रीड द बुकलेट, ऐसा रहता है। कभी कभार किसी कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ बोलेगा फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन विजिट द फॉलोइंग, या फिर विजिट द फलाना स्टॉल, आपको इस प्रकार से आ सकता है। या फिर कभी कभार आपको ऐसा भी रहेगा, ट्रेन वगैरह पर जाओगे तो आपको लिखेगा फॉर फर्दर बोर्डिंग प्लीज़ विजिट द काउंटर नंबर थ्री, या समथिंग लाइक दैट आपको ऐसा आ सकता है। मतलब यहाँ फर्दर का अर्थ होगा क्या, विशेष जानकारी। यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होगा आपको बच्चों, विशेष जानकारी। यहाँ पे विशेष जानकारी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो एडिशनल के फॉर्म में होती हैं। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, कंपिटिटिव तौर पे हम लोग देखा जाए तो इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं। कंपिटिटिव में देखा जाए तो क्या है, हमेशा ध्यान दें कि फोर का कंपेरेटिव के रूप में। देखिए एक वर्ड है हमारा फोर, आप लोग देखें बैक एंड फोर्थ ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसी से आया है फोर ये वर्ड। तो फोर के कंपेरेटिव के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फर्दर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका शब्दिक अर्थ क्या होता है, अतिरिक्त या अलावा होता है। आपको ये चीज़ समझना है। तो फोर का कंपेरेटिव क्या है हमारा, फर्दर होता है, ये भी ध्यान में रखिए। ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और ये जिस चैप्टर का है उस चैप्टर का नाम हमारा क्या है, तो एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी अतिरिक्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडेड फॉर दिस रॉबरी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि एक के बाद दूसरा चरण तीसरा चरण आते रहता है। अब बाय द वे कोई बहुत बड़ी सी क्राइम हो गई हो तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते रहती है। तो यहाँ पे लिखा क्या कहते हैं कि आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अब अतिरिक्त कुछ नहीं होना है, जितना हो चुका है उतना हो चुका है। ये जो लूट हुई थी इसमें जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया है, आगे किसी प्रकार का हमको मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको बताया जाते हैं आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे YouTube चैनल जो ये है निक्स द ट्रिक्स, इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे ये वाला चैनल जो बुक्स टू रीड है इसको आप सब्सक्राइब कर लो। ये जो नेम है निक्स द ट्रिक्स ये पहले से बना हुआ था, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। इस चैनल का नाम वैसे निक्स द ट्रिक्स है। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, साथ में ट्विटर भी हैंडल है निक्स द ट्रिक्स नाम से, आप वहाँ जाइए और प्लीज़ फॉलो अप कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि भविष्य में निक्स द ट्रिक्स सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इस पर करीब करीब 300 से 400 स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास कॉमन एरर्स के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको आपको पढ़ना होता है SSC की परीक्षा में हेवीएस्ट से हेवीएस्ट मार्क्स लाने के लिए। और सारी की सारी कंटेंट हमारी वेबसाइट NealKashyap.com पे भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई कंटेंट को लेके नई दिन आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।